तो मैं पढ़ रहा था कि इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन फैक्टर दैट इज रिकवरी रेट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ लेबर आवर्स और नंबर ऑफ मशीन आवर्स ईटीसी। जैसे ऐसे ही होता है, ऐसे ही रिकवरी रेट निकलता है। थोड़ा सा और लिखेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कंसिस्ट नंबर ऑफ ओवरहेड्स दैट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट दैट इज स्टोर मार्केटिंग ठीक है ना एक्सेट्रा ऑल्सो इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे बी पॉसिबल दैट सम प्रोडक्ट्स आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ मोर यूजेस ऑफ दिस डिपार्टमेंट बट लेबर आवर्स मशीन आवर्स और नंबर ऑफ यूनिट आर लेस दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड आर एब्जॉर्ब लेस डिस्पाइट दैट प्रोडक्ट यूजेस मैक्सिमम ऑफ द डिपार्टमेंट रिसोर्स। कहना क्या चाहते हैं समझिए। सपोज करो एक प्रोडक्ट डी है, उसका मटेरियल हर डेली आता है और वो यूनिट भी 50 यूनिट बनाता है पूरे साल में, और प्रोडक्ट ए जो 10,000 यूनिट बनाता है और उसका मटेरियल सिर्फ 10 बार आता है। तो चूंकि वो 10,000 यूनिट बनाता है उस पे ज्यादा फिक्स ओवरहेड चार्ज कर दिया हमने, और जो डिपार्टमेंट ज्यादा उस डिपार्टमेंट स्टोर वाले की जान खाए रहता है उससे हमने सिर्फ चूंकि 50 यूनिट बनाई तो उस पे कम चार्ज किया। क्लियर? टू ओवरकम The above anomalies, a new concept ABC arrive, या evolve, ये पैदा हुआ। ABC is also called
रिवाइज्ड एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग रिवाइज्ड एब्जॉर्प्शन ही कहते हैं। आगे लिखे इन एबीसी फिक्स्ड ओवरहेड आर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटी यूज्ड बाय दैट प्रोडक्ट। हेंस अब यहां पर लिखेंगे इफ अ प्रोडक्ट कंज्यूम नो एक्टिविटी ठीक है नो देन दैट प्रोडक्ट शुड नॉट ऑब्जर्व एनी पार्ट ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ दैट एक्टिविटी। नंबर टू इफ अ प्रोडक्ट कंज्यूम मोर या हाई नंबर ऑफ एक्टिविटी देन दैट प्रोडक्ट शुड एब्जॉर्ब मेजर पार्ट या हाई बर्डन ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ दैट एक्टिविटी। नंबर थ्री इफ अ प्रोडक्ट कंज्यूम लेस नंबर of activity then that product should absorb less part of the fixed overhead of that activity। तो ABC क्या कहती है, एबीसी ये कहती है कि अगर आप ज्यादा एक्टिविटी यूज करेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और अगर कम एक्टिविटी यूज करेंगे तो कम कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो एबीसी एक तरह से साइंटिफिक मेथड है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग साइंटिफिक नहीं है ठीक है। In ABC, B would prepare number one statement of cost pool for arriving recovery rate और दूसरा statement ऑफ कॉस्ट। फॉर्मेट समझ लें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल का फॉर्मेट क्या होगा ठीक है,
आप यहां पर लिखेंगे ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड है उस पे लिखेंगे सर, उसकी अमाउंट क्या है। अमाउंट के बाद लिखेंगे आप कि बेसिस क्या रखा है उसका, बेसिस ऑफ एलोकेशन। फिर आएगा नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं उसमें। तो ये आ जाएगा टोटल, टोटल नहीं, इसको कहेंगे कॉस्ट पर एक्टिविटी। ठीक है, और इसी के आगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल एंड एलोकेशन भी कर दीजिए। इसके बाद यहां पर प्रोडक्ट होंगे ए बी सी, तो इसमें उनकी एक्टिविटीज के बारे में लिखा होगा कि इतनी इतनी एक्टिविटीज हैं और इनको मल्टीप्लाई करके उनकी कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो आप जानते हैं कैसे बनेगा। ए बी सी सेल प्राइस होगी, इसमें से रॉ मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगी, वेरिएबल ओवरहेड होंगे, और जब फिक्स्ड ओवरहेड होंगे तो वो एक्ट कॉस्ट आ जाएंगी। आपकी एक्टिविटीज वाइज उसको हम बांट देंगे और ये यहां पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे कि सर हम ये एबीसी का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।